ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया हुआ इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी, इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी, मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड कॉमा देन द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ, देन द टाइम, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन द अदर बॉडी इज 1 कूलम्ब। अब ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 250 ईयर्स, ऑप्शन ए है 250 ईयर्स, ऑप्शन बी है 100 ईयर्स, टू फिफ्टी ईयर्स 100 ईयर्स, ऑप्शन सी देखिएगा। हाँ, ऑप्शन सी है 198 और ऑप्शन डी है 150। वन नाइन्टी एट ईयर्स और ऑप्शन डी है 150 ईयर्स। ठीक है, तो प्रियांशु के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि 198 होगा, है ना? क्योंकि क्या है कि ये भी 50 का मल्टीपल है, ये भी 50 का है, ये भी 50 का है, ये अकेला है जो 50 का मल्टीपल नहीं है, तो उसके हिसाब से ये 198 इयर्स होना चाहिए। पता नहीं अभी है नहीं, नहीं। वेलकम सर। वेलकम, चलिए ठीक है, ठीक है, नया लॉजिक है इसका और इसके लॉजिक के हिसाब से आंसर वैसे ही ठीक है, यही आंसर दे रखा है। अब जरा देखिएगा कैसे करना है। इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट कर जाते हैं एक सेकेंड में, तो हम ये कहेंगे कि 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या चलिए ठीक है, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट इन 1 सेकेंड, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक सेकेंड में मूव कर गए, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन मूव आउट इन, वो कितनी देर में मूव आउट कर जाएगा? 1/10 to the power 9 सेकेंड। ठीक है, तो मैंने अभी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी, अब वो बोल रहे हैं देन द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन द अदर बॉडी, तो जितना चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उतने ही तो दूसरी बॉडी पर गेन हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कितनी देर में ट्रांसफर हो रहा है? 1/10 to the power 9 सेकंड में। तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? इट इंप्लाइज दैट 1.6 × 10 to the power -19 कूलम्ब
चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1/10⁻⁹ सेकेंड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इतने टाइम में, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि 1 कूलम्ब चार्ज कितनी देर में ट्रांसफर हुआ, तो 1 कूलम्ब के लिए क्या करेंगे, अगेन यूनिटरी मेथड, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट 1 कूलम्ब चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1/10, ये 10⁻⁹ तो है ही, और ये आ गया 1.6 नीचे, और ये 10⁻⁻¹। अब 10⁻¹ और +9, ये -10 हो गया, ऊपर जाकर +10 हो जाएगा, 10⁻¹⁰/1.6। अब क्या होगा कि ये जो 1.6 है ये 16 बन जाएगा, तो ये ऊपर बन गया 10⁻¹⁰। बल्कि आप क्या करो, 10 लिखो और इसमें से 2 पावर हटा दो, भाई 1.6 करा, अगर हटाया तो ऊपर 10 आ जाएगा, और 10⁻¹⁰ में से 2 वैल्यूज आप मतलब 2 जीरोज ले लो, यहाँ पर 1000 हो गया, और ये बचा 10⁻⁸ और अपॉन में 16। अब जब डिवाइड करेंगे तो 16 6 96 तो वो कोई बात नहीं, वो हो तो गया, 16 6 96 हो गया, फोर हो गया, 4040, तो 16 2 32, 40 - 32 कितना हो जाएगा, अरे एक मिनट भाई, ये बिल्कुल ठीक है, करके देख लो, 16 6 96, 100 - 96 हो गया 4 4 0 40, 16 2 32, 40 - 32 8 हो गया, 8 0 80, 16 5 80, 62.5 × 10⁸, ठीक है, इतना सेकेंड्स आ गया, 62.5 × 10⁸ सेकेंड्स। अब जो ऑप्शंस दे रखे हैं जितने भी, वो सारे के सारे ईयर्स में दे रखे हैं, तो ईयर्स में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर सेकेंड को आर में कन्वर्ट करना है तो 3600 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, तो ये हो गया 62.5 × 10⁸, इसको 3600 से डिवाइड कर दिया तो ये आर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो 24 से डिवाइड कर दो, तो ये 24 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, अब ये दिन में आ गया कि इतने दिन, ठीक है। हाँ, अब अगर इसको ईयर्स में डिवाइड करना है, मतलब ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, 365 से भी कर दें डिवाइड, इतना हो गया। अब क्या करें, 0 गया तो 10 और आ गया, 625 × 1 2 3 4 5 6 7 8, 36 के आगे 3 0, 24 × 365, 3 0 से 3 0 काट दो, और इसको मैं 25 से तो कर सकता हूँ डिवाइड, लेकिन 365 से करें, 5 1 5, 125 आ जाएगा, और 5 7 35 73, ठीक है। अब मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेट ही लेना पड़ेगा डेटा, तो 125 कैलकुलेटर में देखिए करके फटाफट, 36 कितना आ रहा है, 36 × 24 × 73, हाँ ये टोटल बताइए, ये टोटल बताओ डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 36 इंटू
24 × 73 6 3 0 7 2 125 को इससे डिवाइड करो, ठीक है ना। जब इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे हम तो ये अप्रोक्सीमेटली 198 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑनलाइन वाले बताएं क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए जी ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल The number of electrons that must be removed from an electrically neutral silver dollar from an electrically neutral silver dollar to give it a charge of 2.4 coulomb is option A hai 2.5 × 10^19 ऑप्शन बी है 1.5 × 10^19 ऑप्शन सी है 1.5 × 10^-19 1.5 × 10^-19 ऑप्शन डी है 2.5 × 10^-19 ठीक है। यहां देखिएगा फिर से वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फंडा लगेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, एक सिल्वर डॉलर है, उस सिल्वर डॉलर में उन्होंने बोला द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ +2.4 कूलम्ब। तो उस पर जो चार्ज है वो प्लस का 2.4 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10^-19 होता ही है। तो Q इज इक्वल टू एन ई, तो एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू कितना दे रखा है 2.4 कूलम्ब अपॉन ई है 1.6 × 10^-19। तो ये पॉइंट से पॉइंट गया तो 24/16 और -19 ऊपर आकर +19 बन गया। 4 × 4 = 16, 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 4 और 6 − 4 कितना हो गया 2 हो गया। तो 1.5 × 10^19 इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं प्लीज, क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. चलिए जी आगे चलता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 31 था, 31 के बाद में नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ अ चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 nC
If the charge on a body is 1 nanocoulomb, then how many electrons are present on the body? Then how many electrons are present on the body? Then how many electrons are present on the body? Option A है 1.6 into 10 की power minus 9, 10 की power 19. Option B है 6.25 into 10 की power 9. Option C है 6.25 into 10 की power 27. ऑप्शन डी है 6.25 इंटू 10 की पावर 28. ठीक है, अब देखिएगा फिर वही है. इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 नैनो कूलम, नैनो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस नाइन, 10 की पावर माइनस नाइन, वो माइनस सिक्स होगा माइक्रो में. ठीक, जब म्यू लगा होगा माइक्रो कूलम. Then how many electrons are present on the body? तो वही number of electrons पूछा जा रहा है. तो हम इसमें ये कहेंगे कि Q is equal to N E था, तो हमने यहाँ निकाला था N is equal to Q upon E. तो N is equal to Q upon E. अच्छा, charge कितना है? 1 nanocoulomb. तो चार्ज कितना है? 1 नैनो कूलम. तो ये हो गया हमारे पास 1 × 10⁻⁹ अपॉन नंबर ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? 10⁻⁹ माइनस 19 ऊपर चला गया, तो 10⁻⁹ माइनस 9 ये पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया. 10/16 इंटू 10⁻⁩. अब इसको भी 10⁻⁹ बोल दो, तो यहाँ 100 आ गया. 16 × 6 = 96, 100 − 96 कितना हो गया? 4 × 4 = 40, 16 × 2 = 16, 5 = 5. तो 6.25 × 10⁹ ऑप्शन बी. ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसमें. उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 33 है. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम An object of mass 1 kilogram contains 4 × 10⁻⁰ atoms. Full stop. If one electron is removed from every atom of the solid, comma, the charge gained by the solid in 1 gram is by the solid in 1 gram is, options देखिए 2.8 कूलम, 6.4 × 10⁻² कूलम.
ऑप्शन सी है 3.6 × 10³ कूलम्ब। और ऑप्शन डी है 9.2 × 10⁴ कूलम्ब। 9.2 × 10⁴ कूलम्ब। तो देखिए मास वाला कोई रिलेशन तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो इन्होंने कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कंटेन्स 4×10⁻² एटम्स, ठीक है। इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम, हर एक एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा जाता है, द चार्ज गेन्ड बाई द सॉलिड इन 1 ग्राम इज, 1 ग्राम में कितना चार्ज होगा। वो बोल रहे हैं कि 1 किलोग्राम कंटेन्स इतने एटम्स, उसके अंदर इतने एटम है, ठीक है, और हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा जा रहा है, ठीक है। तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करा जा रहा है हर एक एटम में से, तो ये समझ लीजिए कि जब इतने एटम्स हैं तो इसमें से इतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे जाएंगे, तो जो नंबर ऑफ एटम्स है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ठीक है। इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी एटम, तो इस वजह से एटम को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितने एटम्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर 1 किलोग्राम में इतने एटम्स हैं, तो वो 1 ग्राम की बात कर रहे हैं। मैं बोलूंगा 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम कंटेन्स, 1000 ग्राम कंटेन्स इतने एटम्स, वन थाउजेंड ग्राम में इतने एटम है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1000 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम कंटेन्स 10⁻ एटम्स, इट इंप्लाइज द चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड इन 1 ग्राम इज, इट इंप्लाइज दैट द चार्ज गेन्ड बाय 1 ग्राम इज इक्वल टू चार्ज ऑन 4×10⁻¹ इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, 1.6×10⁻¹⁹, तो इतनों का कितना हो जाएगा, 1.6×10⁻¹⁹ × 4×10⁻¹⁹, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6.4×10⁻², कूलम। तो ऑप्शन नंबर बी, सभी को क्लियर है, बताइए सर। मुझे ना क्लियर नहीं है, दोबारा बता देता हूँ। इन्होंने कहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, कोई एक बॉडी है, कोई भी बॉक्स समझ लो, कुछ भी समझ लीजिए, वो उसका जो मास है 1 किलोग्राम है, और उस 1 किलोग्राम के अंदर इतने सारे एटम्स हैं, 4×10⁻²। फिर वो बोल रहे हैं इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी एटम ऑफ द सॉलिड, वो जो पूरा का पूरा सॉलिड है उसके हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं द चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड इन 1 ग्राम इज, तो उसके 1 ग्राम में कितना चार्ज होगा ये बताना है। तो उसके 1000 ग्राम में इतने एटम्स हैं, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम कंटेन्स 4×10⁻²। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स आ गए 4×10⁻¹ एटम्स, हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा जा रहा है, तो 4×10⁻¹ एटम्स में से 4×10⁻¹ इलेक्ट्रॉन्स ही तो रिमूव करे जाएंगे, जितने एटम उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6×10⁻¹, तो 4×10⁻¹ पर कितना चार्ज हो गया, 4×10⁻¹ × 1.6×10⁻¹, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, क्लियर है। ओके सर, ओके सर, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिए, अभी आ रहा हूँ, फिर देखते हैं अगला। अच्छा ये कुछ फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, दिमाग
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखो, छोड़ो इसको छोड़ो। कूलम्स लॉ रिलेट्स टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स एज बीइंग। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं चार ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द चार्जेस, तो ये कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको, ऐसे ही समझ लीजिए बस। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, हाँ 34 ही तो है, हाँ 34 ही तो है। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये कूलम्स लॉ होता है। अब वो पूछ रहे हैं कि कूलम्स लॉ रिलेट्स टू चार्जेस, टू चार्जेस यानी कि क्यू वन क्यू टू एंड डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि आर, डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स एज बींग। ऑप्शन ए है प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द चार्जेस, तो सम ऑफ द चार्जेस के प्रोपोर्शनल तो नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, हम ये कहेंगे ये भी गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस होता है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। मैं ओरली बता रहा हूँ, इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये आसान है क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें। ऑप्शन सी है प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस तो ठीक है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस नहीं है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। ऑप्शन डी देखिए प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो ऑप्शन डी ठीक है इसका, बाकी सारे गलत हैं। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्सेस। चार स्टेटमेंट दे रखे हैं यहां पर भी। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, बिल्कुल ठीक है ये। ऑप्शन बी देखिए लाइक चार्जेस अट्रैक्ट अनलाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कहाँ करते हैं, रिपेल ही करते हैं, हाँ वैसे भी ये स्टेटमेंट तो गलत है। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये भी गलत है। और डी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस अ थर्ड टाइप ऑफ चार्ज, ये भी स्टेटमेंट गलत है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कहाँ करते हैं, रिपेल ही तो करते हैं, हाँ वो जल्दी जल्दी। तो आप बस ये देख लीजिए कि इसमें जो फोर्सेस के बारे में कहा जा रहा है वो पहला ही ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, ये फोर्स ही तो है, और ये फोर्स कैसे प्रोड्यूस हो रही है, विद द हेल्प ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सभी को क्लियर है ना, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर, यस सर, ठीक है। चलिए 36 देखिए, इन केस ऑफ कूलम्स लॉ व्हिच क्वांटिटी हैज टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली सो दैट फोर्स ड्यू टू द चार्जेस इज मोर एक्यूरेट। ऑप्शन ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज का क्या मतलब है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सही पता होना चाहिए। ऑप्शन डी है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस हमको पता होना चाहिए एक्यूरेटली। तीसरा है परमिटिविटी, परमिटिविटी का कोई लेना देना नहीं, परमिटिविटी की फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है, तो उसको क्या मेजर करें। और डी है नन ऑफ द अबव, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी ज्यादा एक्यूरेट है कि हमको डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस वो ज्यादा एक्यूरेटली हमको मेजर करना चाहिए। उसके बाद ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्वेश्चन 37 नोट करें, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। What is the SI unit of permittivity of free space? SI unit of permittivity of free space, तो इसके चार options क्या क्या हैं? Option A है Weber, ये तो बिल्कुल ही गलत है, Weber तो magnetic field की unit होती है। Option B है force, ये भी गलत है।
कुछ नहीं होता, क्वांटिटी है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो सकता है ऑप्शन डी, देखिएगा कूलम स्क्वायर एन की पावर वन एम की पावर टू, एन की पावर सी स्क्वायर एन की पावर वन एम की पावर टू, ये हो गया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? तो हमें ये पता है कि कूलम्स लॉ के हिसाब से 1/4πε0 q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये होता है ε0। तो 1/4π को तो एक तरह से हटाई दीजिए, 1/4π क्या हो गया, 1/4π तो कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, इन दोनों की यूनिट क्या हो गई सी का स्क्वायर कूलम्ब का स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या हो गई आर यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यानी कि मीटर इनटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ बोलो, इसका थर्ड है, इसका थर्ड है, अरे मुझे कर तो लेने दो, बताता हूँ अभी। ये क्या हो गया कि एप्सिलॉन नॉट को आपको क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया। ठीक है, और इधर कूलम्ब स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को ऊपर ले आओ तो एम की पावर माइनस टू, और ये न्यूटन है, न्यूटन नीचे आ जाएगा यहाँ, तो एन की पावर माइनस वन हो जाएगा, एन की पावर माइनस वन सी स्क्वायर एम की पावर माइनस टू, तो ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, थर्ड ही है इसका, ऑप्शन सी। ओके सर, हाँ तो करके देख लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहे हैं, द कॉन्स्टेंट के इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स ऑन, कॉन्स्टेंट के क्या होता है कूलम्स लॉ में, द कॉन्स्टेंट के इन कूलम्स लॉ नहीं, परमिटिविटी तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, के क्या है, ये पूरा टर्म के कहलाता है, तो एफ इज इक्वल टू के इनटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि के किस पर, यानी कि ये के किस पर डिपेंड करता है। अब इन्होंने चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए है नेचर ऑफ मीडियम, बिल्कुल सही, नेचर ऑफ मीडियम पर वो डिपेंड करता है, फ्री स्पेस का अलग, हाँ एयर या वैक्यूम के लिए 9×10⁹, इसकी पूरे की वैल्यू। अच्छा, और दूसरा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तीसरा है इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, और चौथा है बोथ ए एंड बी। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर भी डिपेंड करेगा और आपका नेचर ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड करेगा, तो इसका ऑप्शन है ए एंड बी। ठीक है, इतना करिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब मैं यूनिट कौन सी ले रहा हूँ, मैं चार्ज ले रहा हूँ, चार्ज की यूनिट क्या ले रहा हूँ, डिस्टेंस की यूनिट क्या ले रहा हूँ, वो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, अभी हमने जैसे 38 तक करे हैं, तो इसके सारे क्वेश्चंस आपको आदित्य ने भेज दिए थे ग्रुप पर, तो आप लोग क्या करिएगा, उनको ट्राई कर लेना आगे क्वेश्चंस को, जो डाउट्स आए आप प्लीज डाउट्स मेरे से पूछना। ठीक है, और आज 30th है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली 1st को या फिर 2nd को आपको बताया था, ऑल्टरनेटिंग करंट परसों है ना, तो मैं ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर का टेस्ट लूंगा, बताया था मैंने, तो हाँ बुला के लूंगा, हाँ 1st का मंडे है, तो ट्यूसडे को ले लेंगे ना टेस्ट, ट्यूसडे को ले लेंगे, मंडे को 1st है। हाँ, और मैथ्स का बता देता हूँ कि कल मैथ्स का ऑफ हुआ था, तो कल मैं आपकी क्लास लूंगा मैथ्स की, तो मॉर्निंग में आप लोग तैयार रहिएगा, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुन ले, आप लोग तैयार रहिएगा। सर अभी पेपर है। हाँ हाँ ठीक है, संडे को थोड़ी है पेपर। नहीं नहीं, मेरे पेपर चल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं मैथ्स की क्लास की बात बता रहा हूँ बेटा, नहीं अगर पेपर की बात नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं है,
आप देख लेना मैसेज, या तो 10, 11 या 12 में से कोई एक टाइम रखूंगा सुबह का, कल कल मैथ्स के लिए। हाँ 10, 11 या 12, ठीक है सर। चलिए जी, ओके। सर हाँ बोलो बोलो।